दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितना हल्का चल रहा है ये पंखा। अब हम इसका स्विच ऑन करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना तेज़ चल रहा है ये। हमने कंडेंसर इसका चेंज करा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन हाउस में। आज हमारे पास में ये सीलिंग फैन है, इसमें शिकायत है काफ़ी धीरे चलता है ये। आज हम इसे ठीक करेंगे और आप भी इसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये हमारे पास में कैपेसिटर है 3.25 का। इस कैपेसिटर को अब हम इसमें चेंज करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इसके जो तार है, इसकी वायरिंग होती है, वो आप इसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमने ये तार है, वो तार जो खोल लेने हैं इसके। अगर आप इस पंखे के बारे में जानते हैं तो दोनों तार एक साथ खोल ले, नहीं तो एक एक करके इसके तार जो है खोलें। इसके बाद में ये तार जो खोल के और ये कैपेसिटर हमें जो पुराना वाला जो है उसका निकाल लेना है। ये काफ़ी दिनों के चलने के बाद ये कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए इसमें हमें नया वाला कैपेसिटर लगा देना है। इसका जो पुराना कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है, इसकी पावर चलते चलते कम हो जाती है। आप देख सकते हैं ये 3.25 का कैपेसिटर है पुराना वाला। अब हम इसे चेंज करके 3.25 का एम कैप कंपनी का कैपेसिटर इसमें लगा देंगे। और जो भी हमें कैपेसिटर लगाना है वो कंपनी का ही यूज करें, हैवेल्स का, एम कैप कंपनी का, कोई लोकल कैपेसिटर इसमें नहीं लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो तार हमने जहाँ से खोले हैं वहीं पर हमें फिट करना है। तारों का फेरबदल में ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। एक पेचकस के साथ साथ चाहे आप एक एक करके तार को खोल लें और पेचकस के साथ जहाँ से खोले वहीं पर हमने टाइट कर देना है इसे। और इसके बाद में ये पंखा जो है हमारी काफ़ी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। और आपको किसी भी तरह की इलेक्ट्रिशियन कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ये हमने कंडेंसर के जो तार हैं इसमें अच्छे तरीके से लगा दिए हैं और ये हम इसका कैप जो है टाइट कर देना, इस तरीके से हम इसका लगा देंगे। अब हमने MCB उठा कर इसे चेक करने वाले हैं, इसका स्विच ऑन कर। और आप देख सकते हैं पंखे की स्पीड कितनी पहले से बढ़ चुकी है। ये देखिए काफ़ी स्पीड से पंखा जो है चल गया और ये पहले कितने धीरे धीरे चल रहा था, अब आप देख सकते हैं इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, इसकी हवा भी आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।